लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए राजनीतिक दलों का दलित प्रेम उभर कर सामने आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां दलितों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। सोमवार को यूपी के सीएम ने दलित के घर खाना खाया तो वहीं दलितों की मसीहा कही जाने वाली बसपा सुप्रीमो ने सीएम पर जमकर निशाना साधा। आम चुनाव को लगभग एक साल बचे हुए हैं, जिसे देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाने में लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का सियासी पारा दलितों को लेकर चढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सहित तमाम दल दलितों की वोट बैंक को अपने पहले में डालने में जुट गए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में दलित के यहाँ खाना क्या खाया, बसपा सुप्रीमो मायावती बेचैन हो उठी। हो भी क्यों ना, अरसे से अपने आप को दलितों का मसीहा कहने वाली मायावती के हाथ में कहीं दलित वोट खिसक न जाए। इन दिनों सीएम आदित्यनाथ सूबे में विकास की जमीनी हकीकत को जानने के लिए सीधे लोगों से मिल रहे हैं। शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी के औचक निरीक्षण करने के बाद सोमवार को सीएम प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने दयाराम के घर रात्रि का भोजन भी किया। इस दौरान राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने रोटियां भी सेकी। दलितों को लुभाने की बेचैनी सिर्फ बीजेपी में ही नहीं दिखाई दे रही, कांग्रेस भी अपनी गोटियां सेट करने में लग चुकी है। राजघाट में एक दिन के उपवास में छोले भटूरे खाकर कांग्रेस ने पहले ही देश के सामने अपनी किरकिरी करा ली थी, तो एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेव द कॉन्स्टिट्यूशन अभियान की शुरुआत की है और जमकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति टॉयलेट को साफ करता है वो पेट भरने के लिए नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका कोट है, मेरा नहीं। कांग्रेस का ये अभियान पूरे देश भर में अगले एक साल तक चलाया जाएगा। साथ ही सेव द कॉन्स्टिट्यूशन अभियान की शुरुआत के अलावा कांग्रेस पार्टी 29 अप्रैल को दिल्ली के ही रामलीला मैदान में एक रैली भी करने जा रही है। ये रैली को देश में बढ़ते अविश्वास और अहिष्णुता के खिलाफ बताया गया है। देश में चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों को दलित और पिछड़े की चिंता सबसे ज्यादा सता रही है। दलितों को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने अंबेडकर जयंती को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में इन नेताओं को बड़ा मजा आता है। दलितों के यहाँ जाकर भोजन करना इन नेताओं के लिए प्रचलन सा बनता जा रहा है। माननीय जी, दलितों के यहाँ एक दिन भोजन करना, चैनलों और अखबारों में सुर्खियां बनना देश का सबसे आसान और लुभाने वाला काम बनता जा रहा है। नेताजी कभी 4-6 दिन उनके घर गुजार कर देखें, उनका कैसा रहन सहन है, क्या खाते पीते हैं, सब पता चल जाएगा। एक दिन का दौरा और सारी सुविधाओं का चकाचक मिलना कोई मतलब तो नहीं रखता, बस इतना जरूर है कि वह राजनीति के शिकार हो जाते हैं। प्राइम टीवी से रवि श्रीवास्तव की रिपोर्ट।